सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है प्रगति शिवपुरी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। फ्रेंड्स, कश्मीरी पंडित्स की कुजीन में दम सब्जियों का काफ़ी प्रोमिनेंट रोल होता है और कश्मीरी पंडित इन दम सब्जियों काफ़ी चाव के साथ खाते हैं, दाल चावल के साथ। तो जैसे कि मैंने आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ कश्मीरी दम आलू, दम भिंडी और कश्मीरी दम अरवी की रेसिपी, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज बनाएंगे कश्मीरी दम फूल गोभी। यानी कि फूल गोभी को हम कश्मीरी अंदाज में कैसे पकाएंगे वो आज हम देखेंगे। दम गोभी बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले 1 किलो गोभी ले ली और उसको हमने सरसों के तेल में फ्राई किया है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए पीसेस हमें, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इतने बड़े बड़े पीसेस ही हमें रखने हैं। और इसको हमने लाइट ब्राउन ही फ्राई किया है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। पीसेस भी आप देख लीजिए कि एकदम बड़े 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 पीसेस हमने लिए हैं। छोटे छोटे पीसेस नहीं लेने हैं फ्रेंड्स हमें इसमें दम गोभी के लिए, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे पीसेस ले लेंगे तो, क्योंकि अभी ये फ्राई होगा फिर उसके बाद इसको पकाना भी है, तो उसमें क्या है वो पीसेस काफ़ी ज़्यादा छोटे अगर हमने ले लिए तो वो एकदम घुल जाएंगे। और दम गोभी में बड़े बड़े पीसेस होने चाहिए, तभी उसका मज़ा आता है, तभी उसका स्वाद आता है। तो पीसेस आप बड़े ही रखिएगा। उसके बाद हम लेंगे हींग, ये मैंने 1 छोटा चम्मच हींग लिया है। और मैंने एक नॉर्मल जो चम्मच है वो एक नॉर्मल चम्मच मैंने लिया है सौंफ, जो मोटी सौंफ होती है वो वाली सौंफ ली है फ्रेंड्स मैंने। उसके बाद एक टीस्पून ज़ीरा लेंगे हम, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे, सॉल्ट लेंगे हम अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना हम नमक खाते हैं उस हिसाब से लेंगे। 2 हरी मिर्च ले लिए मैंने, उसको काट लिया है मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने किस के रख लिया है। हरा धनिया ऊपर से गार्निशिंग के लिए चाहिए होगा और साथ ही चाहिए होगा हमें गरम मसाला। इसमें दम गोभी में फ्रेंड्स हम हल्दी का और साथ में लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए अब जल्दी से हम दम गोभी बनाना शुरू करते हैं। हमने 4 बड़े चम्मच, ये वाले साइज़ के 4 चम्मच तेल, मैंने सरसों का तेल लिया है सब्ज़ी को, दम गोभी को पकाने के लिए। तो 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल मैंने ले लिया है। तेल क्योंकि अब गर्म हो गया है तो हम इसमें डाल देते हैं हींग। उसी के साथ हम इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा ये तड़कने लगे उसके बाद ही हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ज़ीरा तड़कने लगा है तो हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। उसी के साथ डाल देंगे हम अदरक, किशमिश जो हमने किश के रेडी कर ली थी उसको मिक्स कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें दम गोभी में फ्रेंड्स दही का यूज नहीं हो रहा है तो चिकनाई हल्की सी ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी हमें। एक्चुअली होता क्या है कि कश्मीरी जो है जितने दम सब्जियाँ होते हैं वो जनरली चावल और दाल के साथ ही खाना पसंद करते हैं। गोभी ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे लगभग 1 चुटकी शक्कर। शक्कर इसलिए डाली जाती है फ्रेंड्स कि शक्कर डालने से जो गोभी है या कोई भी पत्तेदार सब्जी में हम शक्कर थोड़ी सी इसलिए डालते हैं कि उसका खारापन निकल जाता है। तो शक्कर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डाल दिया, लगभग 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है हमने। उसके बाद हम डाल देंगे हमारी सौंफ और आखिर में नमक। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको आपको सॉस करना है ऐसे ऐसे। ये देखिए स्पैचुला मत लगाइएगा फ्रेंड्स, वरना अगर स्पैचुला लगाएंगे तो गोभी के टूटने का डर है और गोभी के जो पीसेस हैं वो साबुत रहने चाहिए दम गोभी में, क्योंकि ये फ्रेंड्स सब्जी चिकनाई पे पकती है। तो इसमें हम इसको गोभी को गलाने के लिए पानी नहीं डालेंगे बहुत ज़्यादा, एकदम थोड़ा सा पानी डालेंगे। और वो भी इसलिए डाल रहे हैं फ्रेंड्स कि जो मसाला है वो मिक्स हो जाए आपस में।
तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये देखिए, ये मैंने 1/4 ग्लास से भी कम पानी लिया है फ्रेंड्स। इसमें जो हमारा नॉर्मल स्टील का ग्लास होता है, तो 1/4 ग्लास से भी कम पानी लिया है। अब इसमें हमें और कुछ नहीं करना, इसको ढक के इसको तब तक पकाना है जब तक कि गल ना जाए। और बीच बीच में चेक कर लीजिए फ्रेंड कि कहीं ये चिपक तो नहीं रही है। तो अब हम इसको ढक देते हैं और वेट करते हैं इसके गलने का। तो हमारी गोभी अब गल चुकी है, नरम हो चुकी है। तो अब हम इसमें जो थोड़ा सा पानी था उसको पचा लेते हैं, क्योंकि दम गोभी में फ्रेंड्स ग्रेवी बिल्कुल नहीं होती है, बस चिकनाई की ही ग्रेवी होती है, पानी नहीं होता है। तो जो जितना ही पानी है उसको पचा लेते हैं हम। उसके बाद जब सारा पानी पच जाएगा, उसके बाद हम उसमें गरम मसाला ऐड करके इसको ढक के रख देंगे। पानी पच जाने के बाद अभी जितना भी आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये सिर्फ इसका जो चिकनाई है वो है। ध्यान रखिए, आपको ध्यान होगा शायद फ्रेंड्स कि मैं बताया था कि कश्मीरी जितने भी दम सब्जी होती हैं वो दाल चावल के साथ खाते हैं। तो अगर आप भी इसको चावल के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और आपको ये चिकनाई आपको शायद आपको ज़्यादा लग रही हो तो नहीं लगेगी। अब हम इसमें लगभग 1 टीस्पून गर्म मसाला बुरक दिया है। उसके बाद इसको ढक के हम थोड़ा सा शेक करेंगे और फिर इसको ढक के हम रख देंगे। ऐसे शेक करना है आपको, उसके बाद इसको ढक के रख दीजिएगा। हमारी दम गोभी अब बन के तैयार है। देखिए, ये एकदम ऐसे हाथ से दबाने से एकदम नरम हो जानी चाहिए। और ये सारी हमने चिकनाई में ही गलाई है इसको, इसको हमने गलाने के लिए पानी नहीं डाला है। तो आप भी वैसे ही करिएगा और इसको दाल और चावल के साथ एंजॉय करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। आई होप मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो। अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं।